हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट टू के बारे में जानेंगे। पार्ट वन हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, जिनमें हम लोगों ने जाना मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल्स पाए कहाँ से जाते हैं, जहाँ पे पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो जनरली हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने ये भी बताया था कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस होते हुए क्या करना चाहिए कि वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बनाया गया, ताकि आखिर क्यों कुछ मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स को मेटल्स में रखा गया, कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स में रखा गया। तो ये देखते हुए उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या 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 मेटल्स को हम बात से बात बात कर सकते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हम अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी से, जो कि हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। जो कि आता है हमारा क्या, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है रासायनिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि रिएक्शन होता है जिसमें। तो पहले यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन है, जिसमें हमें समझना क्या है कि क्या होगा जब कोई एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जब कोई एक मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जनरली इसको समझना कैसे है, इसको हम एक रिएक्शन यहाँ देख सकते हैं, ये स्लाइड में आपको दिया है, वो आपको विजिबल होगा जैसे, ठीक है। यहाँ पे मारते हैं, यहाँ से मैं लिखना भी शुरू करूँगा, ठीक है। जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे समझे, यहाँ पे मेटल क्या है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आ रही है, मेटल ऑक्साइड क्या है, तो जो भी मेटल होंगे उसके लास्ट में अगर क्या बोलेंगे कि ओ, ऑक्सीजन मौजूद होगा, क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन, या ओ टू हो या ओ हो, तो ये क्या बनाता है आपका, ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्साइड, ठीक है। तो जनरली अभी हम समझते हैं बात को कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ किस चीज़ में बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड को बनाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि रिएक्टिविटी अलग अलग में डिफर करता है, मतलब अलग अलग मेटल को लीजिएगा तो अलग अलग तरीके का रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप लोग मैग्नीशियम के बारे में सुने होंगे, ठीक है। मैग्नीशियम आपको एक मेटल है, अगर वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा आपका MgO, क्या बनाएगा, MgO। इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जब ये बर्न करेगा, मतलब जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में मतलब जलाएंगे, तो जलाने क्रम में क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा वाइट लाइट क्या करेगा, निकलेगा इससे, मतलब वाइट डेजलिंग लाइट इससे निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो बनेगा ना, इसके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद क्या होगा, किससे वाइट डेजलिंग लाइट बहुत निकलता है, मतलब जब ये जलता है तो उस समय बहुत ज़्यादा ये चमकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करें कि आप देखिएगा, ये मैग्नीशियम का सिंबल, मैंने बताया था कि आपको सिंबल्स याद रख करने होंगे कि विदाउट सिंबल्स हम लोग काम नहीं कर सकते इस पर, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से आपको कुछ सिंबल्स आपको याद करने होंगे। जनरली अगर हम बात करें 1 to 20 आपको याद करना होगा सिंबल्स, कि वो सिंबल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें बैलेंस किया जाता है। अब हम अपने ही हाथ में अगर हम देखें कि अगर दोनों हाथ में अगर हम कुछ रखते हैं, तो अगर हम अपने हाथ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं, मान लीजिए एक तरफ कुछ रखें और एक तरफ कुछ और रखें, एक तरफ 5 kg का, एक तरफ 8 kg का, तो पता चल जाएगा दोनों हाथ पे रखें कि एक किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ कम। तो यहाँ पे करना क्या है कि इधर वाले को इधर वाले से बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, कुछ नहीं है आगे में, तो क्या 1, तो यहाँ भी देखिए मैग्नीशियम कितना, अभी यहाँ पे 2 हो गया। क्यों 2, हम ये 2 डालें, क्यों डालें, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 जब भी डालेंगे तो आगे में डालेंगे, पीछे में नहीं, ठीक है, पीछे में नहीं डालते हैं, बैलेंस करने के लिए हमेशा आगे में डालते हैं। ये आपको आगे मैं क्लास में बता दूंगा, जनरली आपको यहाँ से समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन आप चीज़ें को समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास में समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप सामने से पूछिएगा आपको दिक्कत क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लेवल थोड़ा सा अप है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, कोपअप साथ में लेकर के चलिए, फिर हम क्लास जब जैसे ही खुलती है, मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा हिंट कर दूंगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है।
तो आगे में दो दोने से ये तो ऑक्सीजन तो दो हो गया, लेकिन देखो मैग्नीशियम भी मेरा दो हो गया, तो मैग्नीशियम दो हो गया तो यहाँ पे भी हम दो दे दिए, तो ये भी देखिए अब ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, सारा बराबर हो गया। तो यही है बस समझना क्या है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो क्या होगा जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब जैसे आपको ये बताए थे कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, मतलब इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि इसको अगर ऐसे ही रखा जाए तो क्या हो जाए, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बताए थे कि इसको किरोसिन के अंदर रखा जाता है, किस लिए, किरोसिन के अंदर, ताकि वो रिएक्ट ना करे, जब ज़रूरत हो तभी रिएक्ट कराएं, ऐसे अगर इसको ऐसे ही नॉर्मली छोड़ देंगे तो विगरेसली क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्ट ना करे इसलिए स्टोर करके रखा जाता है इसको किरोसिन के अंदर। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट एंड इन किरोसिन, तो यहाँ पे बोलेगा सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन किरोसिन बिकॉज दे रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन, मतलब ये इस ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बहुत तेजी से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको कहाँ, किरोसिन के अंदर रखा जाता है। उसी तरीके से एक और रिएक्शन दिया हुआ कि अगर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब भी ऑक्साइड की बात करें तो याद रखिएगा मेटल जो होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी ऑक्साइड बनाएगा। तो ये एक मेटल है, ये एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना रहा है, ये मेटल ऑक्साइड, इसको हम सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख दे रहा हूँ आपके लिए आसान करने के लिए, अगर आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इसमें पूछेगा मेटल्स में, ठीक है, जब पूछेगा कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो आपको लिखना क्या है, व्हेन, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, लिखने में बहुत समय चला जाएगा, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विथ, हमें यहाँ पे सिंबल दे रहा हूँ, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, ये लिखना है। और इसको आपको सिंबल से कैसे दर्शाना है, मेटल प्लस ऑक्सीजन पूरा लिखना है और ऐसे एरो दे करके मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके नीचे एक रिएक्शन दे दीजिएगा, Mg, मेटल Mg हो गया, ऑक्सीजन हो गए, रिएक्ट किया, क्या बनाया, MgO। तो यहाँ पे दो बैलेंस करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया ना कि दोनों तरफ बराबर करना है। ठीक है, तो बस इतना आपका लिखना होगा किस में, वेन मेटल रिएक्ट विथ वट ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब आपको इतना लिखना है। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैग्नीशियम का कुछ बात कर रहा है, जो मैंने, ओ सॉरी, अभी तो मैंने ये बता ही दिया कि मैग्नीशियम देखिएगा ये क्या करता है, ऑक्सीजन के रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऐसे ही रिएक्ट नहीं करेगा, जो मैंने बताया, उसको हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो जैसे मैग्नीशियम को बर्न करवाते हैं तो क्या होता है, ये इंटेंस लाइट देता है, मतलब कि बताए ना कैसा लाइट, डेजलिंग लाइट, एकदम वाइट, एकदम चमकीला लाइट से निकलता है, जिसको हम डायरेक्टली आँख पे एकदम जो जोर पड़ता है ना वैसा वाला लाइट निकलता है। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब जिंक की बात करें, जिंक एक मेटल है, ठीक है, तो जिंक क्या करता है, बर्न्स इन एयर ओनली इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। देखिए कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जिसको हल्का सा आग देने पे क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसे ही मेटल होते हैं जिनको गर्म करने के लिए, मतलब हीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट देना पड़ता है, तब जाके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो जिंक उसमें से एक ये है, ZN का मतलब होता है जिंक, क्या होता है, जिंक। ठीक है, जिंक को क्या करते हैं कि रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड, क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड, ZnO। इसको इतना दूर में नहीं लिखना है, थोड़ा सा सटा के लिखना है। ठीक है, लिखने में मेरा सही हो गया, अरे यार दिखा देता हूँ, देखिए ZnO ये कैपिटल। अब देखो Zn यहाँ एक, यहाँ एक, ऑक्सीजन देखो यहाँ दो है ना, यहाँ पे एक ही है, तो आगे हम क्या करेंगे, हम दो पुट करेंगे, क्या करेंगे, दो। जैसे ही दो पुट किए तो ऑक्सीजन तो दो हो गया, लेकिन ZN भी दो हो गया, तो ZN दो हो गया तो आगे हम भी यहाँ दो डाल दिए, तो ZN इधर भी दो, ये हमारा बैलेंस हो गया, क्या हो गया, बैलेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, तो आपको लिखना होता ही है, ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको हम दे दिए। अब आओ यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एक अच्छा चीज़ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, याद रखिएगा, वैसा ऑक्साइड जिसमें मेटल्स का प्रॉपर्टी हम याद कर, या आप कह सकते हैं जिसमें एसिड प्लस बेस का प्रॉपर्टी दोनों पाया जाता है, मतलब वैसा ऑक्साइड, ठीक है, वैसा ऑक्साइड जिसमें दोनों एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी, इसको छोड़ दीजिएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों मौजूद होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्या बोलेंगे,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ये करके, ताकि आप डेफिनेशन जब होमवर्क मिले तो आप कर सकिए खुद से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पतला कर लो इसको। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या बोले हम, ऑक्साइड्स है ये, दोज ऑक्साइड्स which having the properties of both acid and base, वैसा ऑक्साइड जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हो, मतलब एसिड का भी प्रॉपर्टीज हो और बेस का भी, मतलब रिएक्ट करके एसिड भी बन जाएगा और बेसिक भी बन जाएगा। जनरली अगर उसमें बात करें, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि ऐसा, अगर पूछेगा कौन सा ऐसा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है या उसमें दोनों प्रॉपर्टी होता है, तो एल्युमिनियम बोलिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तो जनरली हम एल्युमिनियम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एल्युमिनियम और जिंक ऐसे दोनों आपको क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस दिखाते हैं। हम जानते हैं कि मेटल्स जो जनरली होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। आप क्लास 7 में पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो वहाँ पे हम जानते हैं कि NaOH जो कि क्या है, बेस है, तो ये OH जो है ना ये हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक। अब इतना तो पता होगा, अब से मैंने पढ़े थे तो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि एसिडिक भी होते हैं, क्या होते हैं, एसिडिक भी और बेसिस भी। तो उस तरह के हम ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे जैसे हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं, देखोगे कि एल्युमिनियम को रिएक्ट कराए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो देखिएगा ये बनाया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया, H2O पानी बनाया, ठीक है, H2O रिएक्ट करके पानी बना। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या बन गया, एसिड बन गया, हम बात कर सकते हैं, ये आपका बन गया क्लोराइड, साल्ट बना, क्या बना, साल्ट, क्या बना, साल्ट। क्योंकि देखिएगा क्लोरीन जो हम सोडियम क्लोराइड NaCl जो कंज्यूम करते हैं वो भी क्या है हमारा, साल्ट। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे क्या, साल्ट बन गया, ठीक है, और ये क्या बन गया, वाटर, क्या बन गया, ये वाटर। फिर उसी तरीके से अगर ये हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड को, ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं किसी बेस के साथ, क्या, किसके साथ, बेस के साथ। तो यहाँ पे ये जो बनाया, ये भी बनाया क्या, NaAlO2 जिसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या बनाया आपका, H2O। तो यहाँ पे ये जो दिया, ये भी आपका एक साल्ट है और ये भी क्या है आपका, वाटर, क्या है आपका, वाटर, ठीक है। तो आप समझोगे कि यहाँ पे कोई एसिड, कोई मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो भी साल्ट और वाटर दे रहा है, कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी क्या दे रहा है, साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, ये है हमारा एसिड, ये है हमारा बेस, ये आपका मेटल हो गया और ये भी आपका मेटल ही हो गया। तो जब दोनों के इसमें मेटल रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, ये साल्ट, ये भी क्या है आपका, साल्ट, और ये क्या है आपका, वाटर, और ये भी आपका क्या है, वाटर, ठीक है। तो बस आपको इतना ये सब याद नहीं रखना, रिएक्शन इतना आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, बस पूछेगा व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो याद रखिएगा वैसा ऑक्साइड, ठीक है, वैसा ऑक्साइड जिसमें क्या करेगा, बोथ प्रॉपर्टी होगा, मतलब दैट हैविंग बोथ प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक एंड बेसिस, मतलब जिसमें एसिड और बेस का दोनों का प्रॉपर्टी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब वो हर हाल में अगर रिएक्ट करेगा, मान लीजिए कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ, तब भी साल्ट वाटर बनाएगा, और जब कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तब भी वो साल्ट वाटर बनाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ज़्यादा है आप इसका ये इतना रिएक्शन आपको ध्यान में रखना नहीं है, मेरा काम है बताना, ठीक है। और अगर आपको इसको कुछ जानना है तो हम ये लाइव क्लास में जब हम आएंगे, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस में, तब आपको ये हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी आपसे सिर्फ इतना याद रखिएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं किसको है, ठीक है, मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट, रिएक्शन विद वाटर। हम लोगों ने मेटल्स के बारे में जान लिया कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये हमने जाने की एक्टिविटी विद ऑक्सीजन के बारे में। अब हम जानेंगे रिएक्टिविटी विद वाटर के बारे में कि आखिर वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता क्या है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहला चले कि आपको ये भी बताए थे कि सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसे मेटल्स हैं ना जिसको क्या किया जाता है कि उसको बहुत पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब मेटल जैसे पोटेशियम और सोडियम जो है, आपको तो पहले मैंने एक चीज़ बताया कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इसको आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं, एक्सेप्शन में जब मैंने बता रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज की मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, मेटल्स आर हार्ड, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे तो केस निकल गया कि भाई ये तो दोनों मेटल है लेकिन ये सॉफ्ट कैसे. तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कुछ कमियाँ हैं जो कि साइंस की तरफ से, और ये बताया गया है कि वो दो सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सारे हार्ड होते हैं. इन दोनों ऐसे मेटल हैं जो ये क्या होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से आसानी से काट सकते हैं. ठीक है, इसके बाद मैंने ये भी बताया कि ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको किरोसिन के अंदर रखा जाता है. ठीक है, तो देखो यहाँ सोडियम क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, ताकि वो क्या बना सके, हाइड्रोजन गैस बना सके. क्या बना सके, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सके. और उसके बाद क्या होगा, वो जब हीट करेगा ना तो इससे बहुत सारा हीट निकलता है, मतलब जब वो क्या बोलते हैं रिएक्ट करेगा तो उससे बहुत सारा हीट निकलता है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. देखो एक चीज़ समझाते हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ये चैप्टर रिलेटेड है 10th से, ठीक है, जो कि 10th में अभी मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये सब सारे चीज़ उसमें कुछ आ रहे हैं, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है. हम बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं, ज़्यादा आपको टेंस लेके नहीं चलना है कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है. मैं उसका उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली बताते जाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है. तो आप जितना आप को मैं बता रहा हूँ बस आप उतना सुनते जाइएगा अच्छे से, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है, अच्छे से बस उतना आप समझते जाइएगा. कुछ दिक्कत होता है तो आप ज़रूर आप व्हाट्सएप पे लिखिए कि सर हमको ये चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है. और मैंने हाँ ये बैलेंसिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, और कुछ रिएक्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दी कि इस समय थोड़ा तकलीफ होगा, तो उसके लिए वो क्वेश्चन ना कीजिएगा, ठीक है. वो जब क्लास खुलेगा तो मैं करवा दूंगा. उसके अलावा अगर किसी भी तरह का डाउट है तो ज़रूर पूछें, ठीक है. तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जब कोई वैसा रिएक्शन जब रिएक्ट करेगा जिसमें कुछ रिएक्टेंट, तो उसके बाद क्या होता है कि हीट निकलता है. क्या होता है, हीट निकलता है. तो हीट जब रिलीज होगा कोई रिएक्शन से तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है. एक आता है एंडोथर्मिक, यहीं पे बता देता हूँ, आगे हो सके आ जाए तो. एंडो थर्मिक, इंडो मतलब इनसाइड, जिसमें हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब मतलब अंदर ही रह जाएगा, निकलेगा नहीं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा वो एंडोथर्मिक, जिसमें हीट निकलेगा वो एक्सोथर्मिक, ठीक है. तो हम बताएं क्या कि सोडियम रिएक्ट करता है पानी के साथ ताकि वो क्या बना सके, हाइड्रोजन गैस बना सके, ताकि जिससे क्या हो सके कि आसानी से फायर कैच कर सके, और जिससे बहुत सारा एनर्जी निकलता है. फायर तभी कैच करेगा जब हीट बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिएगा, इसलिए आपको पहले ही बताया कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसको स्टोर किया जाता है किरोसिन के अंदर. तो देखो यहाँ पे ये पोटेशियम है, के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है. आपको मैं व्हाट्सएप पे लिस्ट भी दे दूंगा 20 एलिमेंट का, वो उसको याद कर लेना है कि किसका किसको किस नाम से सिंबल से जानते हैं हम लोग, ठीक है. पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट किया, तो देखिए ये बनाया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. उसके साथ क्या दिया, हाइड्रोजन गैस दिया, और हीट एनर्जी भी क्या हुआ, निकला. हीट एनर्जी क्या हुआ, निकला. अब यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ अगर आपसे पूछेगा कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स में कि मेटल्स अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या लिखना है, तो लिखना क्या है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो. जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड. क्या बनाएगा, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी देगा. ठीक है, समझना ध्यान से. जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तब वो क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा. अब बोले सर इसको हम लिखेंगे कैसे, तो पहला चीज़ पहले लिखना है रिएक्टिविटी विथ वाटर, ठीक है. उसके बाद ऐसे लिखना है व्हेन, मेरा यहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, लिखना है लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से. व्हेन मेटल, ठीक है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, रिएक्ट्स विथ वाटर देन इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, देन इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है. जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, इवॉल्व होगा. हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा, ठीक है. ध्यान रखना है जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो ऐसे लिखना है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. इवॉल्व मतलब बाहर निकलना, क्या निकलना, बाहर निकलना, ठीक है. और उसी को फिर आप इस फॉर्मेट में एक बार लिख दीजिएगा नीचे में, ठीक है, लैंग्वेज लिखने के बाद इस फॉर्मेट में, और उसके बाद एक रिएक्शन आप दे दीजिएगा. रिएक्शन आप आपको ऊपर दिया हुआ है, या तो ये जो आपकी मर्जी, ठीक है, एक रिएक्शन आप दे दीजिएगा. तो ये आपका हो जाएगा रिएक्टिविटी विथ वाटर, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात. अब आगे चलते हैं, ये देखो फिगर है कुछ.
ये है आपका पानी, ये है वाटर, ठीक है, ये है आपका वाटर। कर रहा है देखिएगा यहाँ पे सोडियम इसको प्लेस किया गया, तो देखिए सोडियम प्लेस करने से कितना ज़्यादा रिएक्टेड, पानी में सोडियम जैसे रिएक्ट किया तो एकदम आग आग फायर कैच कर लिया यहाँ पे, देख सकते हो। उसी तरीके से देखो यहाँ पोटेशियम है, ठीक है, ये देखिए पोटेशियम में जब जैसे ही क्या हुआ यहाँ पे डाला गया पानी में, तो ये क्या किया वो भी हल्का सा फायर कैच किया और उसमें कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। होता है ना अगर छोटा सा पटाखा अगर फोड़ते हैं तो कुछ तरीके का आवाज़ निकलता है ना, तो हल्का सा ये आवाज़ उसमें क्या होता है निकलता है। तो ये जनरली जानिएगा कि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव है, जब पानी के साथ संपर्क में आते हैं तो बहुत क्या करते हैं आग फायर कैच कर सकता है, ठीक है। तो बस ये फिगर यही दिखा रहा है, इसीलिए इसको किरोसिन में डाला जाता है। अब देखो कैल्शियम, कैल्शियम समझने से पहले आपको चूना, आप जानते हो चूना, जानते हैं ना वो क्या होता है, चूना गला जब ख़राब होता है तो वहाँ पे भी लगाया जाता है, या आप बात कर सकते हैं चूना से पेंट भी होता है। देखिएगा वो चूना का जो को अगर हम पानी में डालते हैं तो बहुत तेज़ी से वो क्या होता है देखिएगा रिएक्ट करता है उसमें पानी में, तो कैल्शियम उसी का एक उसी से मतलब कैल्शियम से ही क्या होता है चूना बनता है, आप समझो ये बात। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है रिएक्ट करता है वाटर के साथ बहुत तेज़ी मात्रा में, नहीं बोल सकते मतलब रिएक्ट करता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। जैसे देख अब चूना डालोगे ना तो देखिएगा थोड़ा 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 जो लोग घर से जिनका घर मतलब पुराने तरीके का बना हुआ है, देखिएगा कि वहाँ पे उन लोग कुछ लोग चूना से भी पेंट करवाते हैं, इस्तेमाल किया जाता है चूना को एज ए पेंट के रूप में। तो उसके लिए क्या किया जाता है ना कि वो चूना के जो स्टोन होते हैं ना पत्थर, उसको उस पानी में डाल दिया जाता है और रात भर छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या होता है वो चूना धीरे धीरे क्या होता है वो पानी में पूरे तरीके से ये हो जाता है, मतलब पहले जब वो उसमें चूना को पानी में डालते हैं तो वो रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करता है धीरे धीरे और बहुत गर्म हो जाता है वो, ठीक है, तो गर्म हो जाता है लेकिन धीरे धीरे होता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें कि वो ऐसा नहीं है कि अगर उसको डाले और तुरंत रिएक्ट करे तुरंत आग लग गया, ऐसा नहीं है वो, ठीक है। अगर ऐसा रहता तो इसको फिर केरोसिन में ही रखते हैं, ठीक है, अंदर रखते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर ऐसे रहेगा तब तो रिएक्ट ही कर जाएगा ये, अगर पानी के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो, ठीक है। तो अब समझना है कि कैल्शियम जो क्या करता है, जैसे ही हम कैल्शियम को क्या करते हैं पानी के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि बबल्स, ठीक है, हाइड्रोजन कैसे देखिएगा आप जब हम चूना को पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें बबल बबल्स देखने को मिलेगा। ये बबल्स क्या होता है कि कैल्शियम सरफेस जो मेटल्स होते हैं उसके सरफेस पे क्या होता है चढ़ जाता है और वो बबल्स किसके रूप में दिखने लगता है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे कंटेनर भी, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे लिए पानी और यहाँ पे हम डाल दिए चूना इस तरीके से, चूना का स्टोन, ठीक है। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे आपको पहले वो पानी मान लीजिए यहाँ पे भरा हुआ है तो यहाँ इसके ऊपर आपको बबल्स देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा बबल्स, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता है, मतलब क्या बोल सकते हैं फायर कैच नहीं कराता है, बल्कि इसके रूप में बबल्स वहाँ पे देखने को मिलता है, रिएक्ट करता है धीरे धीरे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन आप दीजिएगा कि अब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या हाइड्रोजन गैस देता है। तो मैंने आपको ये वाटर का ही मैं आपका सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें मैंने बताया कि वाटर में ही मैंने बताया जब मेटल क्या करेंगे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड उसके साथ हाइड्रोजन गैस देगा। वही चीज़ है बस उसको अलग अलग रिएक्शन से मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप चाहो सेम आपका है मैग्नीशियम का प्रोसेस कि मैग्नीशियम भी क्या करता है वो बबल्स की तरह पानी में जैसे उसको रिएक्ट करवाते हैं तो बबल्स की तरह क्या करता है वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एल्यूमिनियम आयरन और जिंक, ठीक है, ये ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ स्टीम, स्टीम मतलब समझते हैं भाप जिसको बोलते हैं वेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ताकि क्या बनाने के लिए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे आप तो बताएं कि मेटल रिएक्ट करता है और वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्सेप्शन केस में वो ऑक्साइड भी बनाता है, तो यहाँ की वाटर नहीं यहाँ पे क्या है वो स्टीम है, क्या ये स्टीम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ वाटर के साथ तो क्या होगा कि ये हम बोल सकते हैं स्टीम के रूप में तो क्या करेगा वो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड भी बनाता है, क्या बनाता है ऑक्साइड, ठीक है। तो रिएक्शन देख सकते हैं एल्युमिनियम पानी के साथ रिएक्ट किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस दिया। अब चाहो तो आप रख सकते हो इसको याद या तो नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपसे इतना डीप कोई सवाल नहीं करेगा, आपसे पूछेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बोलते हैं
मेटल्स क्या होता है। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जाने कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दूसरा जाने मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया कि मेटल्स और रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनाएगा, इसमें मैंने बताया मेटल्स रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। दोनों को अच्छे से लिखना है, उसका फॉर्मेट दिए फॉर्मेट, और उसके बाद एक रिएक्शन, समझ में आ रही बात। अब आते हैं तीसरे स्टेज पे, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होता है, ठीक है। ये हमारा तीसरा नंबर है, मार्कर रेड, ठीक। जब कोई मेटल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, वो साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? साल्ट। और उसके साथ साथ क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स तभी क्या बनाता है, मेटल साल्ट, और उसके साथ क्या देता है, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिए हम मैग्नीशियम, क्या ले लिए, मैग्नीशियम, कुछ भी ले सकते हो, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, ये रिएक्ट कराएं तो ये यहाँ से बनाया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो ये क्लोराइड बना, आप जानते हो साल्ट के रूप में होता है NaCl, याद होगा, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना, और ये अब यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन में क्या सब तरफ बराबर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो उस क्लोरीन दो है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, एक, कितना है, एक। हाइड्रोजन दो है यहाँ पे, एक। तो यहाँ पे अगर हम दो आगे में देते हैं तो दो हाइड्रोजन हो गया, ये तो सही हो गया भाई बैलेंस, और क्लोरीन भी दो हो गया, देखो ये भी क्लोरीन दो, और यहाँ Mg एक है, यहाँ पे भी Mg एक, यानी कि कुछ क्या हमारा बैलेंस है, क्या है, बैलेंस, ठीक है। तो इतना आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आप बस याद रखिएगा कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो बनाता है मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक रिएक्शन पे डाल दीजिएगा, ये आपका हो गया रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, ऑफ विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, ठीक है। कुछ इसमें और भी टर्म, जैसे ये अलग अलग रिएक्शन दिया हुआ, एक दो तीन चार रिएक्शन दिया हुआ, ये रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ना है कि रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, आज ही मैं बताऊंगा, वो आगे है तब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक टर्म लिया हुआ है कि नो बबल्स आर सीन इन केस ऑफ कॉपर, अगर हम कॉपर को रिएक्ट कराएंगे तो उसमें कुछ बबल्स देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए एसिड में हमने जाना उसके बारे में, अब देखो कि वो पिछले बार रिएक्शन में हम लोग देखा था HCl के बारे में, अब देखेंगे हम लोग H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, किंग ऑफ एसिड, ठीक है। हमें आपको मैंने पढ़ाया भी था कि कौन सा एसिड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे बात करें, अगर हम क्या करेंगे कि आयरन को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। अगर हम आयरन को रिएक्ट कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा वो देखना है। तो जैसे हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिए Fe, ये आयरन हो गया, Fe को आयरन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये Fe इसके रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे बनाएगा ये FeSO4, और ये H2 जो रहा ये H2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट। क्या बनाया ये, आयरन सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस दिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस दिया। अब हम आपको उस समय भी बताए थे कि जब क्या करेगा कि कोई मेटल्स रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या करेगा, वो पहले तो वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, मेटल साल्ट, तो आयरन सल्फेट एक मेटल साल्ट है, उसके साथ साथ हम क्या बनाएगा, वो हाइड्रोजन गैस भी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें है एक्वारिजिया। एक्वारिजिया अब बोलिएगा सर ये क्या है, तो ये मैं एक बार याद दिला दूँ वैसे बच्चे को जो कि प्रीवियस क्लास में यानी कि 7th क्लास में एसिड बेस एंड साल्ट में ही पढ़ना है एक्वारिजिया के बारे में, जनरली एक्वारिजिया होता क्या है, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं अच्छे से 7th, तो उनको प्रॉब्लम होगा, और जो पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा एक्वारिजिया होता क्या है। ये
लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब समझते हैं कोरोसिव लिक्विड। कोरोसिव कहने का मतलब जो कि जिसमें एक लिक्विड मतलब कुछ चीज़ों को जो क्या करते हैं डिजॉल्व करते हैं, गला लेते हैं। गलाना जैसे कि आपको ये पता होगा कि नोबल मेटल्स, मैंने अभी थोड़े देर पहले हम बोल सकते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था नोबल मेटल्स होते क्या हैं। वैसा मेटल जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्या करता है नहीं करता, उसको हम लोग नोबल मेटल्स बोलते हैं। हमारा जो गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, सब कैची में आता है आपका गोल्ड, कैची में आता है नोबल मेटल्स में आते हैं, ठीक है, नोबल मेटल्स में आते हैं। तो अगर हम बात करें गोल्ड की, तो देखिएगा जो गोल्ड का जो डिज़ाइन बनता है, अलग अलग डिज़ाइन बनता है, ठीक है, अगर वो डिजॉल्व नहीं होगा मतलब कुछ उसका रूप चेंज नहीं होगा, तो हमारे जिस तरीके का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन हमको कैसे मिलेगा। जैसा हर चीज़ का रिंग बनाना है, नेकलेस बनाना है, अलग अलग चीज़ जो होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्वेरीज जो होता है बहुत क्रोसिव क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। फ्यूमिंग लिक्विड कहने का मतलब समझते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको समझिएगा एक्वेरीज का मतलब क्या होता है, एक हाईली क्रोसिव लिक्विड होता है जो ये क्या करता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिएजेंट होते हैं, या हम बोल सकते हैं मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। तो एक्वेरीज एक ऐसा क्रोसिव लिक्विड होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए इसको बनाया कैसे जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्वेरीज में पूछता है कि इनका रेशियो क्या होता है, तो पहले जानिएगा क्या क्या चीज़ें मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलकर के बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का रेशियो 3:1, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा 3 गुना होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड। तो बी वहाँ से पूछता है उसका रेशियो कितना होता है, तो रेशियो होता है 3:1, जहाँ पे 3 होता है HCl के लिए और 1 होता है आपका नाइट्रिक एसिड के लिए, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को हम लोग जानते हैं HNO3 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा एक्वेरिजिया को लैटिन वर्ड में रॉयल वाटर या किंग्स वाटर के नाम से जाना जाता है, और ये जनरली अल्केमिस्ट के जरिए यूज़ किया जाता है। अल्केमिस्ट का मतलब होता है जो कि केमिकल्स को बनाते हैं, रासायनिक चीज़ को जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों क्यों इसको नोबल में क्यों इसको रॉयल वाटर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, नोबल मेटल्स को डिजोल्व करता है, लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। आपको ये बताएं कि नोबल मेटल्स वैसे मेटल होते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, एक्वेरिजिया मतलब दो एसिड को मिला करके एक नया तरह का लिक्विड तैयार किया जाता है, जिसके अंदर हम नोबल मेटल्स को डिजोल्व कर सकते हैं। तो उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया, ठीक है, उसको हम लोग एक्वा रिजिया बोलते हैं। डन, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या क्या जाना, पहले सुन लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जाना रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विथ वाटर, रिएक्टिविटी विथ एसिड, उसके बाद जो हम लोग जाना एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया उसी का सब पार्ट है एसिड का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए कि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानना है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानना है इसका मतलब पहले हमें एक्वेरिजिया के बारे में जानना हो कि एक्वेरिजिया होता क्या है, सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज जानना होगी, रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, तभी हम लोग क्या करेंगे कि हम जान पाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे समझिएगा सारे जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसा कि मैंने हिस्ट्री में बताया कि मैं एलिमेंट्स का कि 118 टोटल एलिमेंट्स मौजूद है, 118 एलिमेंट्स। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं, अब इसमें कौन जो है किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब किसका जो रिएक्ट करने का कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब एक वैसा अरेंजमेंट जिसमें क्या किया गया है कि मेटल्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे यहाँ पे देखिएगा पोटेशियम, तो पोटेशियम की बात करें यहाँ पे, तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो आपका जितना भी है हाईली रिएक्टिव, और नीचे वाला जो है आपका लीस्ट रिएक्टिव। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, मतलब सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सब कमते आ रहा है, डिक्रीज करते आ रहा है। फिर कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, सबसे लास्ट मतलब ऑन रिएक्टिव आप समझ लीजिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे समझना क्या है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज कहता क्या है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है ना, वो क्या करता है, लेस लेस लेस्ट रिएक्टिव मेटल को आप ले सकते हो, लीस्ट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो लो रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक कैल्शियम है और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम है, तो कैल्शियम देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, कहाँ पे है, यहाँ पे, और एल्युमिनियम कहाँ पे है, यहाँ पे। तो कैल्शियम पावरफुल है ना,
तो जब इन दोनों में देखिए बॉक्सिंग के रूप से यहाँ दिखाया जा रहा है, इन दोनों के रूप में बॉक्सिंग हो रहा है, तो बॉक्सिंग देखिए ये कैल्शियम क्या करा है, एलुमिनियम को गिरा दिया, मतलब कैल्शियम क्या है ज़्यादा पावरफुल एज़ कम्पेयर टू एलुमिनियम। अगर ये एलुमिनियम की जगह यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम आयरन रखते तो आयरन रखते तो भी देखिए कम है, तो क्या कर देता ये जीत जाता, क्या कर देता जीत जाता। लेकिन यहीं अगर यहाँ पे इसकी जगह हम पोटेशियम को रख देते तो ये क्या कर देता, ये इसको हरा देता, क्या कर देता हरा देता, अगर हम इसको यहाँ पे पोटेशियम को रखते हैं तब। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब आ जाओ देखो इसका लास्ट जो चीज़ है डेफिनेशन हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। वैसा रिएक्शन, ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव, डिस्प्लेस मतलब उसको हटा करके उसका जगह ले लेना, तो उसको हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखो ये आयरन, आयरन एक सॉलिड है, एस मतलब सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन और कॉपर को देखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे घेर रहे हैं यहाँ पे आयरन और कॉपर। अब हमको वापस से आपको लेकर चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में, आयरन देखो कहाँ पे है यहाँ पे, कॉपर कहाँ पे है यहाँ पे, अब बताओ दोनों में पावरफुल कौन है, लाजमी है आयरन है क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, तो आयरन अकेला है और इसके साथ ये देखिएगा ये सल्फेट जुड़ा हुआ है। अगर हम ऐसे समझे कि यहाँ पे मान लो कि ये दो लोग हैं आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल है और ये दोनों में लड़ाई होगा कि ये किसके साथ रहेगा, तो ये दोनों में देखो जो पावरफुल कौन है, तो आयरन पावरफुल है, तो ये क्या करेगा रिएक्ट करके ये क्या करेगा इसको अपने साथ कर लेगा और इसको हरा देगा। तो यहाँ पे देखो कॉपर हमारा अलग हो जाएगा और FeSO4 मिलकर क्या बन जाएगा आयरन सल्फेट। तो वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सॉल्यूशन से। ये सॉल्यूशन था ना CuSO4, ये पूरा एक सॉल्यूशन था, इसे क्या कर दे इसको हटा करके इसका जगह कौन लिया Fe ले लिया। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे हम एक क्या बोलते हैं तरीका दिया हुआ, मेटल ए साल्ट सॉल्यूशन बी, ये क्या कर गया साल्ट सॉल्यूशन ए बन गया और मेटल बी को अलग कर दिया, मतलब जो मेटल बी था उसको वहां से निकाल करके ए उसका जगह ले लिया, कर गया जल लिया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट कोरोजन और रस्टिंग। हम लोग ने मेटल्स पूरी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया, अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें जनरली उसमें रहेगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने का तरीका आपका रहेगा, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और कुछ यूजेस, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखते हैं कल ख़त्म होता है कि नहीं, कल हुई तो ही, नहीं तो एक क्लास में और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आ जाओ क्रोजन क्या होता है। हम लोग देखते हैं ना घर में कि अगर कोई वैसा लोहा रख दिया जाए जिसपे पेंट वेंट नहीं चढ़ा हो, तो देखिएगा उस पर ब्राउन कलर का कोटिंग चढ़ने लगता है, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं हिंदी में, कि जंग लग गया। ठीक है, तो जब कोई मेटल क्या करता है डिग्रेड करता है, डिग्रेड मतलब होता है खराब होना, क्या होना जस्ट ए मिनट क्या हो गया इसको, आज नहीं चलेगा लगता है अभी तो। हाँ, डिग्रेड का मतलब हो गया क्या, खराब होना। ठीक है, तो जब कोई मेटल क्या करता है धीरे धीरे खराब होता है, कैसे, जब उस पर एटमोस्फेरिक क्या बोलते हैं गैसेस यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर के संपर्क में आने से जब कोई मेटल आता है तो क्या होता है धीरे धीरे खराब होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है डिग्रेड करना, सड़ना या खराब होना। तो ये आपको समझाते हैं, जो जंग लगता है ना जनरली, तो उसमें क्या होता है कोई मेटल को ऐसे रखा होता है, तो जैसे ही वो पानी के संपर्क है कि ह्यूमिडिटी उसको बोलते हैं, रेनफॉल या कुछ भी बोलो, मॉइस्चर नमी के संपर्क में, या हम बात कर सकते हैं उसके साथ अगर हम बोले कि उसके साथ साथ जो एटमोस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आने से क्या होता है कोई मेटल खराब होना शुरू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन का डेफिनेशन पूछिएगा तो बोलना क्या है, द प्रोसेस ऑफ, एकदम ये मेरे अपने लाइन में ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ स्लो डिग्रेडेशन मतलब धीरे धीरे खराब होना ऑफ द मेटल ड्यू टू द, मेटल खराब हो रहा है किसके वजह से, ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर, या आप वाटर लिखो या मॉइस्चर लिखो बात बराबर है। ठीक है,
जब एटमॉस्फेरिक गैसेस और वाटर या मॉइस्चर के वजह से कोई मेटल क्या होगा, ख़राब होने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। और कोरोजन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना कोरोजन का एक स्पेशल केस होता है। या हम बात करें या कोरोजन ऑफ आयरन जो है वो एक स्पेशल केस अपने आप में। हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे चीज़ों को हम रख देते हैं जिस पे लोहे का होता है, तो उस पे हवा और ये क्या बोलते हैं हल्का सा मॉइस्चर लग करके थोड़े दिन में क्या होता है उस पे एक रेडिश ब्राउन कोटिंग चढ़ता है। उस कोटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। तो यहाँ पे देखिएगा एक लिखा हुआ भी है, द रेडिश ब्राउन पाउडर विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द आयरन आर्टिकल्स, आयरन मतलब आर्टिकल मतलब लोहे का सामान पे, ठीक है। When they are exposed to moist air, जब उनको छोड़ दिया जाता है ना खाली जगह में, ठीक है, जहाँ पे हवा हो, तब क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये फॉर्मूला है बाबू रस्ट का, क्या है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। इन दिस केमिकल फॉर्मूला एक्स इज वेरिएबल। अब देखो ये वाटर है ना, तो ये एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये Fe2O3 बनाया, ये आपका रस्ट है, क्या है आपका रस्ट। या इसको आप आयरन ऑक्साइड या उसको हाइड्रेटेड आयरन भी आप कह सकते हो, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हो, जनरली आयरन ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और एक्स का मतलब यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना रिएक्शन में आपका क्या आ रहा है, वाटर उपयोग हो रहा है, ठीक है। इसका रिएक्शन देखो दिया हुआ है यहाँ, जब आयरन क्या कर रहा है, रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और किसके साथ, पानी के साथ, किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। ये एक्स है यहाँ पे, ये एक्स है, ठीक है, ये वेरिएबल है, मतलब ये चेंज हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या बनाएगा, आपका रस्ट बनाएगा, रस्ट, जिसको ये हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। सो क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रस्ट। तो रस्ट तब आएगा जब क्या होगा, जब कोई मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन और हम बोल सकते हैं क्या, वाटर के संपर्क में आएगा, यानी कि हम बात कर सकते हैं मॉइस्चर और किसके संपर्क में, गैस के संपर्क में, गैस मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे मेटल खराब होना शुरू होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रस्ट, या उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या ये रस्ट से बचाने का कोई तरकीब नहीं है, तो हाँ बिल्कुल तरकीब है, तो वो हम लोग देखेंगे अपने कल की क्लास में, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, तो कल हम लोग इस चीज़ के बारे में देखेंगे। और हाँ एक चीज़ और, कल मैं वीडियो आपका मैं कल ही बनाऊंगा, तो इसीलिए आप लोग से एक ये है एडवाइस कि अगर आज का टॉपिक में से कुछ भी लगता है जो आपको ना समझ में आया हो, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, ताकि जब मैं कल वीडियो बनाऊं तो आपका डाउट को भी लेकर के चलूं और उसको भी क्या कर सकूं, कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा आज, वीडियो आज रात 10 बजे से पहले आप होमवर्क कर करके अपना जो डाउट होगा वो डाउट हमको सबमिट कर दीजिएगा, ताकि जब मैं कल सुबह उठूं तो फिर उठते के साथ आपका वीडियो बनाने के लिए जब मैं बैठूं तो आपका डाउट को भी मैं कवर कर लूं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।